सुल्तानपुर से बड़ी खबर, 18 दिनों से डीप फ्रीजर में रखी है लाश, बुजुर्ग पिता ने रखी है बेटे की लाश। दिल्ली में हुई थी बेटे शिवांग की मौत, परिवार लगा रहा बहू और पार्टनर पर कत्ल का आरोप। दिल्ली से सुल्तानपुर लेके पहुंचे थे लाश, सुल्तानपुर पुलिस ने भी नहीं दर्ज किया मामला। दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए पिता ने दी कोर्ट में अर्जी। पूरे बार थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार पाठक गांव का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुल्तानपुर में कुरेबार थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार पाठक गांव से आ रही है, जहां एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे की लाश को 18 दिनों से डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। दरअसल बेटे शिवांग की मौत दिल्ली में हुई थी, परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या करने वाला भी गैर नहीं बल्कि उनकी बहू और पार्टनर है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद परिवार बेटे की लाश लेकर सुल्तानपुर आ गया और उसे घर के आंगन में ही डीप फ्रीजर में रख दिया। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी। थका कर बुजुर्ग पिता ने मामले की शिकायत कोर्ट से की है, अब कोर्ट से ही उन्हें कुछ उम्मीद है। आप क्या लगते थे? मेरा सबसे बड़ा बेटा था। कैसे क्या घटना हुई है? घटना भैया, ये दिल्ली में बच्चा रह रहा था, उसका अपना कारोबार था और वहीं पर साजिश के तहत उसके पार्टनर वाइफ और उसके साले ससुर मिल के उसके साथ वारदात किया। जी, अभी तक आपने शव को कितने दिन हो गया रखे हुए आपके घर पे? आज 17 दिन हो गया। अभी तक कहाँ कहाँ कार्रवाई, आपने एप्लीकेशन दिया कार्रवाई के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई। फोन से भैया ने बताया कि मुझे दिक्कतें हो रही हैं, अब मुझे ये लोग शायद जान से मार डालें, है ना? और फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे दिल्ली पे, सब कुछ ठीक था। 31 को उनका जन्मदिन था, 31 को बात हुई है उनसे, अच्छे से बात हुई और एकदम फ्रेश माइंड में थे। वो बर्थडे मनाने गए, फिर वो लगभग 10 बजे आए वहाँ से, 10-11 के टाइम पे आए वो, बाहर से खाना वाना खा के आए। वो और उनका पार्टनर थे, उनकी पार्टनर की फैमिली थी और भैया की फैमिली थी। फिर सुबह लगभग 12:23 पे दीदी के पास कॉल आ रही है कि भैया की, भैया एकदम बॉडी अकड़ी हुई है और नीली पड़ी हुई है और सांसें नहीं चल रही हैं। तो जीजा जी ने फिर मुझे बताया, मैं फिर फ़ोन लगाया वहाँ घर पे, भाभी जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, नौकरानी ने पिकअप किया फ़ोन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते मुझे लगभग, मैं पहुँचा 1:30 बजे रात में, 1 को रात में क्या 2 को सुबह 1:30-2 बजे पहुँचा। फिर वहाँ तब तक इन्होंने अपनी ये डेड बॉडी का सब कुछ करवा के इन्होंने मॉर्चरी में रखवा दी थी। फिर जब मैं गया तो थाने गया, बेगमपुर थाने में गया, वहाँ सच्चे को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मना कर दी FIR दर्ज करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे जनरल डायरी पे एंट्री करके उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया।